Hello, children. How are you all? I'm sure you all are doing really good. So, children in computer, today we are going to start our next chapter, which is advanced MS Paint. So, let's start the chapter. Learning objectives Color picker tool, moving the selection, cut and paste the selection, rotate or flip tool, selection tool, copy and paste the selection, resizing the selection earlier we have learned about the basic and drawing tools of ms paint now we are going to discuss about some more advanced tools in paint after learning these tools you can format the drawings change the look and orientation of the image now let us explore these features of ms paint which previous class mehamna paratha basic टूल्स के बारे में जो कि एमएस पेंट में हम यूज करते हैं ड्रॉ करने के लिए इस चैप्टर में हम एडवांस टूल के बारे में पढ़ेंगे ठीक है कलर पिकर टूल द कलर पिकर टूल हेल्प्स यू पिक अ कलर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द फिगर एंड फिल द सेम कलर इन एनी अदर पार्ट ऑफ द ड्राइंग द स्टेप्स टू यूज द कलर पिकर टूल आर ऑन द होम टैब इन द टूल्स ग्रुप Click on Color Picker. Click on the required color in the drawing that you want to set as the foreground color or right click the color in the drawing if you want to set it as the background color. Now you can use the Color Picker tool to pick a color from the drawing and fill it in another space, closed area. For example, pick a color from a square, select the फिल विद कलर टूल एंड फिल इट इन द बैकग्राउंड वाइट एरिया ठीक है अब कलर पिकर टूल क्या होता है आपको कोई कलर आपने सम सपोज बनाया और आपको वो कलर पसंद आया ठीक है तो आपको वही कलर अपनी दूसरी ड्राइंग में चाहिए तो आप क्या कर सकते हो उस कलर को उस जगह से पिक कर सकते हो और दूसरी जगह पे फिल कर सकते हो ठीक है अब इसे हम कैसे कर सकते हैं सबसे पहले आप होम टैब में जाएंगे उसके बाद आप टूल ग्रुप्स में जाकर कलर पिकर पे क्या करेंगे क्लिक करेंगे ठीक है फिर आप उस रिक्वायर कलर पे क्लिक करेंगे जो कलर आपको आपके बैकग्राउंड में या दूसरी जगह पे चाहिए ठीक है फिर आप उस कलर पिकर्स जब आप उस कलर को पिक कर लोगे फिर आप दूसरी जगह पे जाकर आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे वो कलर जो है वो दूसरी जगह पे क्या हो जाएगा फिल होगा इस तरह से जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है ठीक है नाउ डू यू नो राइट क्लिक द मैग्नीफायर टू जूम आउट ऑन आ ड्रॉइंग बच्चों के आपको पता है कि राइट क्लिक करने से आप किसी ड्राॅइंग में जूम आउट कर सकते हो मैग्नीफायर के थ्रू सेलेक्शन टूल सेलेक्शन टूल्स आर यूज टू सेलेक्ट ड्रॉइंग्स और अ पार्ट ऑफ ड्राॅइंग्स एंड परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑन द सेलेक्टेड पार्ट लाइक कट कॉपी रिसाइज एंड रोटेट फ्लिप ठीक है सेलेक्शन टूल हम यूज करते हैं किसी भी ड्राइंग के किसी भी पार्ट को सेलेक्ट करने के लिए सपोज हमें उसे कट करना है या मूव करना है या उसे फ्लिप करना है रोटेट करना है रिसाइज करना है तो हमें उसे सबसे पहले क्या करना होगा सेलेक्ट करना होगा रेक्टेंगुलर सेलेक्शन टूल दिस टूल इज यूज टू सेलेक्ट अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ एन इमेज द स्टेप्स टू यूज द रेक्टेंगुलर सेलेक्शन टूल आर ऑन द होम टैब इन द इमेज ग्रुप क्लिक ऑन द एरो On select, select the rectangular selection option from the list. Second, click and drag over the area of the drawing which you want to select. You can see a dotted box around the selected area. ठीक है अगर आपको किसी एरिया को सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल को क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं ठीक है अब इसे कैसे हम लेते हैं सबसे पहले हम होम टैब में जाते हैं फिर हम इमेज ग्रुप में जाते हैं उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट को ठीक है क्लिक ऑन द एरो ऑन सेलेक्ट और उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे रेक्टेंगुलर सेलेक्शन ठीक है फिर आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आप क्लिक और ड्रैग करोगे उस एरिया को जिसको आपको क्या करना है सेलेक्ट करना है इस तरह से जैसे यहाँ पे हट को सेलेक्ट करके दिखाया है ठीक है फ्री फॉर्म सेलेक्शन टूल The free form selection tool is used to select an irregular area of a drawing. The steps to use the free form selection tools are first on the home tab in the image group, click on the arrow on select. Select the free form selection option from the list. Second, click and drag the mouse irregularly over the area of the drawing which you want to select. After completion, as you release the mouse, the irregular selection will convert into a rectangular selection. ठीक है अब फ्री फॉर्म क्या होता है ये भी आपके जो टूल्स होते हैं जो आपके ड्रॉइंग होती है किसी भी एरिया को सेलेक्ट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है अब इसको कैसे ओपन करेंगे आप सबसे पहले आप होम टैब पे ही जाएंगे उसके बाद आप इमेज ग्रुप में जाएंगे फिर आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप फ्री फॉर्म सेलेक्शन पे जाएंगे जो आपके रेक्टेंगुलर सेलेक्शन के ठीक नीचे नज़र आ रहा होता है ठीक है फिर आप इस पर सेलेक्ट करोगे फिर आप उस एरिया के आसपास ऐसे ड्रॉ करोगे इ किसी भी फॉर्म में आप ड्रॉ कर सकते हो जैसे यहाँ पे आपको करके दिखाया गया है ठीक है फिर आप जब इसे सेलेक्ट करके अपने माउस से इसे रिलीज करेंगे तो आप देखोगे ये भी एक रेक्टेंगुलर फॉर्म ले लेगा ठीक है एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा सेलेक्ट ऑल टूल्स द सेलेक्ट ऑल सेलेक्शन टूल इज यूज्ड टू सेलेक्ट द एंटायर ड्राइंग आफ्टर कंप्लीशन एज यू रिलीज द माउस द रेगुलर सेलेक्शन विल कन्वर्ट इनटू अ रेक्टेंगुलर सेलेक्शन द स्टेप्स टू यूज द सेलेक्ट ऑल सेलेक्शन टूल्स आर ऑन द होम टैप इन द इमेज ग्रुप क्लिक ऑन द एरो ऑन सेलेक्ट सेलेक्ट the सेलेक्ट ऑल सेलेक्शन ऑप्शन फ्रॉम the लिस्ट the एंटायर drawing विल बी सेलेक्टेड ठीक है अब सेलेक्ट ऑल टूल को हम कब यूज करते हैं जब हमें एंटायर ड्राइंग को सेलेक्ट करना होता है ठीक है अब इसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे सबसे पहले हम होम टैब पे जाएंगे फिर हम इमेज ग्रुप में जाएंगे फिर हम क्लिक करेंगे सेलेक्ट पर ठीक है फिर उसके बाद हम सेलेक्ट ऑल को सेलेक्ट करेंगे ठीक है उसके बाद हम देखेंगे जो हमारी एंटायर ड्राइंग है वो क्या हो जाएगी सेलेक्ट हो जाएगी इस तरह से फैक्ट्स द सेलेक्टेड एरिया कैन बी मूव्ड कॉपीड और रीसाइज एज रिक्वायर्ड ठीक है अब यहां पे बताया गया है कि जो सेलेक्टेड एरिया है उसे आप मूव भी कर सकते हो रिसाइज भी कर सकते हो कॉपी भी कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट मूविंग द सेलेक्शन द सेलेक्टेड पार्ट कैन बी ड्रैग्ड टू अ न्यू लोकेशन द स्टेप्स टू मूव द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द ड्रॉइंग ड्राॅंग विच इज रिक्वायर्ड टू बी मूवड सेकेंड ब्रिंग द माउस इन साइड द सेलेक्शन एंड द माउसर कन्वर्ट इन टू फोर्थ साइड एरोज थर्ड ड्रैग द सेलेक्टेड पार्ट टू द्यू लोकेशन ठीक है अब आपको सेलेक्टेड पार्ट को मूव करना है तो आप कैसे मूव करोगे आप सिंपली उस पार्ट को जिसको आपको मूव करना है उसे आप सेलेक्ट कर लोगे ठीक है फिर आप अपना माउस कर्सर उसके अंदर लेके जाओगे तो आप देखोगे वो माउस कर्सर जो है वो एरो में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है फिर इस तरह से आप उसको कहीं भी लेके जा सकते हो जहाँ पे आपको उसको मूव करना है ठीक है अगर आपको उसकी पोजीशन ठीक नहीं लग रही तो आप उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो उसे एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जा सकते हो नाउ कॉपी एंड पेस्ट द सेलेक्शन द सेलेक्टेड पार्ट कैन बी कॉपीड एंड पेस्टेड to a new location the steps to copy and paste the selected part of the drawings are first select the part of the drawing which is required to be copied second click on copy in the clipboard group third now click on the paste option in the clipboard group the selected part of the drawing is pasted on the top left corner of the drawing area fourth the माउस कर्सर ऑन the पेस्टेड पार्ट एंड क्लिक एंड ड्रैग इट टू the desired लोकेशन ठीक है अब आपको उसको कॉपी करना है तो आप सिंपली कैसे कॉपी करोगे यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए गए हैं ठीक है सबसे पहले आप उस एरिया को जो ड्राइंग आपको कॉपी करनी है आपको उसको सेलेक्ट करना होगा ठीक है बच्चों जो भी चीज़ आपको मूव करनी है कॉपी करनी है कट करनी है रिसाइज करनी है तो सबसे पहले आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा ठीक है फिर आपने उसको सेलेक्ट कर दिया फिर आप क्लिक करोगे कॉपी पे जो आपके क्लिप बोर्ड ग्रुप में आपको नज़र आ रहा होता है ठीक है फिर आप उसको कहाँ पे करोगे दूसरी जगह पे जहाँ पे आपको उसको पेस्ट करना है आप उस पर जाकर वहाँ पे उसको पेस्ट करोगे ठीक है तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा क्लिप बोर्ड ग्रुप में ही आपको क्लिक करना पड़ेगा पेस्ट ऑप्शन पर ठीक है फिर आपको जिस एरिया में उसको पेस्ट करना है वहाँ जाके अपने माउस को लेके जाना होगा और फिर आप अपना माउस वहां पे जब कर्सर को वहां पे पेस्ट करोगे फिर आप ड्रैग करके उसे जब लेके आओगे तो आपका जो फोटो है या जो भी आपकी ड्राइंग है वो वहां जाकर वो क्या हो जाएगी पेस्ट हो जाएगी एक्टिविटी सेलेक्ट अ पार्ट ऑफ अ ड्राइंग प्रेस द कंट्रोल की ब्रिंग द पॉइंटर इनसाइड द सेलेक्शन एंड ड्रैग इट टू द न्यू पोजिशन दिस एक्शन विल कॉपी द सेलेक्टेड पार्ट एंड पेस्ट इट टू द न्यू पोजिशन ठीक है इसे आप दूसरी तरह से भी कर सकते हो सबसे पहले आपको उस ड्रॉइंग के पार्ट को क्या करना होगा सेलेक्ट करना होगा फिर आपको कंट्रोल की को प्रेस करके रखना होगा फिर आपको अपना माउस पॉइंटर जो है उस ड्राइंग पे लेके जाना होगा फिर उसको आपको ड्रैक करते हुए दूसरी जगह पर दूसरी पोजिशन पर ले आना होगा फिर आप उसको रिलीज कर दोगे तो आप देखोगे आपका जो ड्रॉइंग है वो दूसरी जगह पर क्या हो जाएगा कॉपी पेस्ट हो जाएगा Now, cut and paste the selection. The selected part can be cut and pasted to a new location. The steps to cut and paste the selected part of the drawing are First, select the part of the drawing which is required to be cut. Second, click on Cut in the clipboard group. Third, now click on Paste in the clipboard group. The selected part of the drawing is pasted on the top left corner of the drawing area. फोर्थ पुट द माउस कर्सर ऑन द पेस्टेड पार्ट क्लिक एंड it टू द डिज़ायर्ड लोकेशन ठीक है अब आपको अपने ड्राइंग को कट और पेस्ट करना है ठीक है सबसे पहले आप उसको कट करोगे कैसे आप पहले तो उस ड्राइंग को सेलेक्ट करोगे ठीक है फिर आप क्लिपबोर्ड ग्रुप पर जाकर के कट ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसके बाद आप पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे सेम ग्रुप में ठीक है फिर आपका जो एरिया है जिसको आपको कट करना है वो एरिया आप उसको लेकर के जाओगे दूसरी जगह पे आप उसको क्या कर दोगे पेस्ट कर दोगे ठीक है अपने माउस कर्सर को उस जगह पे लेकर के जाओगे तो आपका जो ड्राइंग एरिया है जो आपने कट करना था वो आप देखोगे वो उस जगह से कट होकर दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाएगा ठीक है रिसाइजिंग द सेलेक्शन द सेलेक्टेड पार्ट कैन बी रिसाइज इंक्रीज और डिक्रीज रिसाइज मीन्स टू चेंज इट्स एक्चुअल साइज The steps to resize the selected part of a drawing are select a part of the drawing second bring the pointer on the corner edge of the selection click and drag the mouse to increase or decrease the selected part or step 1 click on resize in the image group the resize and skew dialog box appear second गिव नुमेरिक वैल्यू एज पर योर रिक्वायरमेंट इन द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल टेक्स बॉक्सेज थर्ड क्लिक ऑन द ओ के बटन फोर्थ द सेलेक्टेड पार्ट विल बी रीसाइज ठीक है अब आपको अपनी ड्रॉइंग को छोटा या बड़ा करना है तो आप कैसे कर सकते हैं सिंपली यहाँ पे स्टेप्स आपको दिए गए हैं सबसे पहले आपको उस पार्ट ऑफ ड्रॉइंग को क्या कर लेना है सेलेक्ट कर लेना है ठीक है फिर आप अपने पॉइंटर को लेके आओगे उसके एज जो उसका आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स नजर आ रहा होगा डॉटेड उसके एज पे आप लेके आओगे तो उसको आप जब स्ट्रेच करोगे तो उससे भी आप क्या कर सकते हो उसके साइज को रिसाइज कर सकते हो बड़ा या छोटा कर सकते हो उसे क्लिक और ड्रैग करके ठीक है या फिर यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिया है आप रिसाइज इन द इमेज ग्रुप पे क्लिक करोगे ठीक है इमेज ग्रुप में आपको रिसाइज का ऑप्शन नजर आएगा उस पर आप क्लिक करोगे ठीक है फिर उसके बाद आपके सामने रिसाइज एंड क्यू डायलॉग बॉक्स अपियर हो जाएगा उसमें आप न्यूमेरिक वैल्यू डाल कर उसे छोटा या बड़ा कर सकते हो ठीक है अगर आपको बड़ा करना है तो आप बड़े वैल्यूज डालेंगे अगर आपको छोटा करना है तो आप कम वैल्यू उसमें डालेंगे ठीक है एज़ पर योर रिक्वायरमेंट ठीक है फिर आप ओके OK बटन पे क्लिक करेंगे और फिर आप देखोगे आपका जो सेलेक्टेड पार्ट था वो क्या हो गया रिसाइज हो गया अगर आप उसको छोटा करना चाहते थे तो वो छोटा हो गया अगर आप बड़ा करना चाहते थे तो वो बड़ा हो गया नाउ रोटेट और फ्लिप टूल the rotate or flip tool is used to rotate the whole drawing or a selected part of a drawing the steps to rotate or flip our drawing are first select the image drawing click on the rotate option in the image group select the required option example rotate right 90 degree the image will be rotated according to the option take apni ड्राइंग को रोटेट करना है या फ्लिप करना है तो आप कैसे कर सकते हैं आप सबसे पहले इमेज ग्रुप में रोटेट पे जाएंगे ठीक है उसके बाद आप जितना भी आप उसको रोटेट करना चाहते हैं सपोज आप उसको 90 डिग्री रोटेट करना चाहते हैं तो आप 90 डिग्री रोटेट पे आप क्लिक करेंगे ठीक है फिर आप देखेंगे आपकी जो ड्राइंग है वो 90 डिग्री रोटेट हो जाएगी हाउ टू सेव अ फाइल पिक्चर क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू बटन क्लिक ऑन सेव द सेव एज डायलॉग बॉक्स appears. 3 टाइप द फाइल नेम इन द फाइल नेम बॉक्स 4 क्लिक ऑन द सेव बटन ठीक है अब बच्चों आपने अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर ली ठीक है कलरिंग भी कंप्लीट कर ली अब आपको अपनी फाइल को सेव करना है तो आप सिंपली कैसे सेव करेंगे सबसे पहले आप फाइल मेन्यू में जाएंगे उसके बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे ठीक है फिर आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जो आपसे पूछेगा कि आप फाइल को किस नाम से सेव करना चाहते हैं फिर आप उस फाइल को नाम देंगे ठीक है इस तरह से और फिर आप नीचे जो सेव बटन नजर आ रहा है उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी नाउ हाउ टू ओपन अ सेव्ड फाइल पिक्चर ठीक है अब आपको अपनी जो सेव्ड फाइल है उसे ओपन करना है तो आप कैसे करेंगे सबसे पहले क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू बटन सेकेंड क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शन द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स थर्ड सेलेक्ट द फाइल नेम फ्रॉम द लिस्ट फोर्थ क्लिक ऑन द ओपन बटन ठीक है अब आपको उस फाइल को दोबारा से ओपन करना है तो आप क्या करेंगे फाइल मैन्यू बटन पर जाएंगे ठीक है उसके बाद आप ओपन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने एक ओपन डायलॉग्स बॉक्स अपेयर हो जाएगा उसमें आप अपनी फाइल का नाम ढूँढेंगे जब आपको फाइल मिल जाएगी तो आप उस फाइल पर क्लिक करेंगे ठीक है और आप ओपन करेंगे तो आपकी फाइल जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी Now, setting image drawing as wallpaper. In Paint, you can set your drawing as the wallpaper on the desktop. Let's do it practically. Draw a picture. Second, save your drawing. Third, click on the Paint button and select the Set as Desktop Background option. Fourth, close the Paint window by clicking on the Paint Exit option. Your drawing appears on the desktop. एज द वॉल पेपर ठीक है अगर आपको अपनी ड्रॉइंग को अपने डेस्कटॉप के वॉल पेपर के रूप में सेव करना है तो सबसे पहले आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी फिर उसको आपको सेव करना पड़ेगा ठीक है फिर आप क्लिक करेंगे पेंट बटन पे फिर आप सेलेक्ट करेंगे सेट एज़ डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन पे ठीक है फिर आप पेंट को क्लोज कर देंगे तो आप देखेंगे आपने जो ड्रॉइंग बनाई थी वो आपका जो मोनीटर है उसके डेस्कटॉप पर वो फाइल जो है वो जो पिक्चर है वो सेव हो गई है ठीक है पॉइंट्स टू रिमेंबर द मैग्निफायर टूल इज यूज टू व्यू अ पिक्चर इन द मैग्निफाइड फॉर्म द रेक्टेंगुलर सेलेक्शन टूल इज यूज टू सेलेक्ट अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ एन इमेज द फ्री फॉर्म सेलेक्शन टूल इज यूज टू सेलेक्ट अ पार्ट और द कंप्लीट ड्रॉइंग इन अ Free form shape. You can move, copy, or resize the selected image. So, children, I hope you understood the chapter. Now, you can revise the chapter and practice the exercise yourself.